नमस्कार दोस्तों, नेचुरल गन्ने के जूस की सेहत वाली चाय बनाते हैं राधा किशन काकड़े जी। महाराष्ट्र में अहमदनगर जिले के रावरी तहसील के चिकलठान गांव के रहने वाले हैं और मेरे साथ है विजय कसार जी भी। इनका एक ग्रुप है जिन्होंने भारत की पहली नेचुरल गन्ने की सेहत वाली चाय लॉन्च की है। जी हाँ, न कोई चीनी न कोई दूसरा मीठा, केवल नेचुरल गन्ने का रस मिलाएंगे। दूध और बाकी सामने आप जो चीजें देख रहे हैं ये भी ऐसी चीजें हैं जो सेहत में फायदा देती है। तो चलिए तरीका क्या है वो देख लेते हैं और ये भी बताएंगे कि ये चाय आप लोग कैसे वेंचर के रूप में शुरू कर सकते हैं, क्योंकि वैल्यू एडिशन करने से किसानों को ज्यादा लाभ होगा। तो चलिए पूरी प्रक्रिया देखते हैं नेचुरल गन्ने की सेहत वाली चाय की। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों देखा आपने, गन्ने की चाय बड़ी टेस्टी बनती है। आपको बता दें ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो लगा हुआ है दिल्ली के पूसा में, यहीं पर ये अपनी टीम के साथ आए हुए हैं और यहीं हम इनका इंटरव्यू कर रहे हैं। इनकी चाय बनाने का आइडिया कैसे आया और ये चाय का वेंचर कैसा चल रहा है, लोगों की क्या राय है, इन्हीं से जानते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। आपने ऑर्गेनिक गन्ने यानी नेचुरल गन्ने की चाय बनाने का काम शुरू किया, ये आइडिया कैसे आया फिर से एक बार दर्शकों को बताइए, ग्रुप में कैसे शुरू किया और लोगों की अब कैसी प्रतिक्रिया आ रही है। जी बताइए सर। सेलिब्रेटिंग फार्मर से मैं विजय कसाल, जो हमारा गन्ना मधुरम ग्रुप है राहुरी में, तो जो हमारे 10 सदस्य है, तो 10 सदस्य जो भी नेचुरल गन्ना उगाते हैं, तो नेचुरल गन्ना वो 4 साल से उगा रहे हैं। इकट्ठा होने से वो हमने एक आइडिया आया कि हम वो चाय भी बना सकते हैं उससे। आज लोग मार्केट में गुड़ का चाय बना रहे हैं या शक्कर का तो बना ही रहे हैं या काढ़ा भी बना रहे, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम गन्ने के रस से चाय बनाए। तो ये आइडिया सब सदस्यों से एक दिन आ गया और उससे हम शुरुआत की। एक बार में हम सफल नहीं हुए पर बार बार उसमें इनोवेशन लाते गए। आज हमने वो मौका भी मिला है सेलिब्रेटिंग फार्मर से हमें पूसा मेला में, तो हमने वो बना के डेमो दिखाई है और उससे हम सर्व भी किए लोगों को। अब जो आप चाय बना रहे हैं उसका क्या रिस्पॉन्स है लोगों का? दुनिया का पहला गन्ने की चाय हमने बनाई है और उसका आउटलेट महाराष्ट्र संगमनेर में हमें डाला है, तो वो उधर आउटलेट ओपन हुआ है और उधर भी अच्छा रिस्पॉन्स है। सर ये जो भी एक्सपो है वो भी हमें एक अच्छा एक रिस्पॉन्स करेगा कि हम आगे लोगों को बताए कि ये गन्ने से ये चाय बन सकती है, हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। तो दोस्तों जैसा विजय कसाल जी ने बताया कि 10 किसान ऑर्गेनिक गन्ना उगा रहे थे, नेचुरल गन्ना उगा रहे थे पिछले 4-5 साल से, अब सोचा कि वैल्यू एडिशन करें। ऐसे में इन्हें विपिन सरीन जी मिले, सेलिब्रेटिंग फार्मर। विपिन सरीन जी ने देश भर के किसानों को जोड़कर एक कंपनी बनाई है जो किसानों को वैल्यू एडिशन का तरीका बताती है अपने प्रोडक्ट में। मान लीजिए कोई गन्ना उगा रहा है तो गन्ने की वैल्यू एडिशन करके ज्यादा पैसे कैसे कमाएं, ये तरीका बताती है सेलिब्रेटिंग फार्मर कंपनी, जो किसानों की कंपनी है। उसी कंपनी से ये ग्रुप जुड़ा, देश भर के और भी ग्रुप जुड़े हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। इन्होंने विपिन सरीन जी से टच में रहकर ये वैल्यू एडिशन का आइडिया शेयर किया और खुद की मेहनत से इनका कहना है कि दुनिया की पहली गन्ने की चाय बना दी नेचुरल। रिस्पांस की जो बात है वो बहुत अच्छा आ रहा है। इसमें सिर्फ चाहिए कि आपको नेचुरल गन्ने का रस चाहिए, दूध चाहिए और सामने देखिए ये चाय पत्ती है, इलायची है, ये लौंग है, ये दालचीनी है और ये काली मिर्च है और अदरक है। अदरक है। इन सब चीजों को पीस करके ये मिला करके और उसमें गन्ने की चाय में डालते हैं। पहले गन्ने का रस को उबालते हैं, हाँ। उसके बाद उसमें दूध डालते हैं। दूध डालते हैं, हाँ। कितना रेशो? आधा आधा, आधा आधा रेशो, मतलब जितने भी चाय बना रहे उसका आधा गन्ने का जूस डालेंगे, न पानी की जरूरत न चीनी की जरूरत, फिर उसमें आधा दूध डालेंगे और ये जो 6 आइटम बताए हैं ये सब डालेंगे, फिर आपकी तैयार हो जाती है नेचुरल गन्ने के जूस की चाय। इसका जो आपने वहाँ बताया कि लोग जो पीते हैं वो अच्छा रिस्पॉन्स है, कैसा? हाँ सर, रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। वो बोलते हैं कि सर ये चाय ही अलग है, उसका टेस्ट इतना अच्छा है कि 4 घंटे अगर आप कुछ खाओ नहीं या पियो, पानी पियो नहीं, तो उसमें वो जीभ के ऊपर ऐसा थोड़ा सा टेस्ट वैसा ही रह जाता है सर। मतलब टेस्ट बड़ा बहुत अच्छा है। अब ये देखिए, हम जो चाय चीनी वाली पीते हैं उसमें ज्यादातर में क्या होता है, सिर्फ दूध
पत्ती चीनी होती है। ज्यादातर में ये देखिए पत्ती बहुत ज्यादा होती है, लेकिन इसमें पत्ती जो चाय पत्ती है वो बहुत कम डाली है। बाकी चीजें ये जो हमारी जड़ी बूटियां ही कहेंगे जो सेहत के लिए भी अच्छी होती है, ये सारी चीजें जो दिखाई, और साथ में गन्ने का जूस है, तो सेहत के लिए भी ये जो चाय है, ये वाली जो चाय है ये अच्छी है, नुकसान नहीं करेगी। तो अगर किसी को चाय का स्टॉल खोलना है तो किसानों के साथ जुड़ करके जो नेचुरल गन्ना उगा रहे उनके साथ अलग अलग जगह ये चाय का स्टॉल खोल सकते हैं, इनसे भी आप सलाह ले सकते हैं। ये महाराष्ट्र में शुरुआत कर चुके हैं, आगे इनकी कोशिश है कि और भी किसान इससे जुड़े ताकि उनको लाभ हो। किसानों को क्या कहेंगे आप, हेल्प करेंगे? सर जो भी हमको विपिन सर ने जो सेलिब्रेटिंग फार्मर जो एक प्लेटफॉर्म दिया है, तो वो जो प्लेटफॉर्म है या जो शुरुआत की उन्होंने जो भी जड़ बताई है, तो उससे जो स्टार्टअप हुआ है, तो वो जो हमें आगे बढ़ाना चाहते और किसानों को देना चाहते, तो किसान हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हम भी एक किसान है तो उनकी जरूरत समझते हैं हम, और एक किसान को आगे हम देना चाहते, तो हमारे साथ अगर किसान जुड़ेगा तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। देखिए इन्होंने जैसे कहा विपिन सरीन जी सेलिब्रेटिंग फार्मर के माध्यम से लोगों को जोड़ रहे हैं, किसानों को जोड़ रहे हैं, और उसी में जुड़े हैं विजय कसाल जी, और साथ में हैं राधा किशन काकरे जी, और आप हैं सुमित गायकवाड़ जी। तो ये सभी लोग ग्रुप के सदस्य हैं महाराष्ट्र में, और अपने ऑर्गेनिक गन्ने की वैल्यू एडिशन करके दूसरे किसानों को रास्ता दिखा रहे। हमारी कोशिश भी है कि किसानों की आय बढ़े, वो अच्छा काम करें और लोगों को शुद्ध उत्पाद मिले, इसीलिए टेक्निकल फार्मिंग आपको ऐसे किसानों से मिलवाता है, आगे भी ऐसे किसानों से मिलवाते रहेंगे। जुड़े रहिए टेक्निकल फार्मिंग से। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।